भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह के मार्गदर्शन में भारतीय कृषि में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। लैब टू लैंड विचारधारा पर जोर देने से किसानों के खेतों तक नई तकनीकी, अधिक उपजशील फसल किस्मों और उपयोगी जानकारियों के प्रसार से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जिससे कृषक समृद्धि के नए दौर का प्रारंभ हुआ है। इस कामयाबी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विज्ञान केंद्रों केवीके ने अहम भूमिका निभाई है। पहला कृषि विज्ञान केंद्र सन 1974 में शिक्षा आयोग की सिफारिश पर पुडुचेरी में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था। वर्ष 1974 से 1998 तक कुल 247 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इनकी संख्या दोगुनी करने का महत्वाकांक्षी निर्णय लिया गया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विज्ञान केंद्रों को अधिक सशक्त बनाने का प्रावधान है। आज देश के ग्रामीण जिलों में 642 कृषि विज्ञान केंद्र लैब टू लैंड कार्यक्रम की एक सशक्त और प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये केंद्र जिला स्तर पर कार्य करते हुए खेती में नई और वैज्ञानिक तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देते हैं। नई सरकार के नेतृत्व में कृषि विज्ञान केंद्र शिकोहपुर में संसदीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्रों को अग्रिम प्रसार प्रणाली के रूप में कार्य करने का निर्णय लिया गया। कृषि विज्ञान केंद्रों को अधिक सक्षम बनाने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके अंतर्गत केवीके में मिट्टी एवं पानी की जांच सुविधा, आईटी का उपयोग, उन्नत बीज उत्पादन व प्रसंस्करण, जल संचय और सूक्ष्म सिंचाई तथा सौर ऊर्जा के उपयोग जैसी इकाइयां शामिल करने की सिफारिश की गई है। देश के 71 कृषि विश्वविद्यालयों व 100 से अधिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों के अंग के रूप में ये केंद्र विभिन्न क्षेत्रों में जिला स्तर पर नवीन तकनीकी पहुंचाने में कारगर साबित हुए हैं। जिला स्तर पर राज्यों के कृषि तथा संबंधित विभागों के प्रसार कार्यकर्ताओं की विशाल संख्या इन केंद्रों से व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर बड़े पैमाने पर नई तकनीकी को खेतों तक पहुंचाने में सफल हो रही है। इस प्रकार लैब टू लैंड विचारधारा को जमीनी स्तर पर लागू करना संभव होता है। इसी क्रम में आत्मा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसी कृषि विकास व प्रसार की योजनाओं को कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा तकनीकी सहयोग तथा परामर्श एवं प्रशिक्षण सेवा प्रदान की जाती है। वर्ष 2014-15 के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किसानों के खेतों पर लगभग 26,200 परीक्षण तथा 98,200 प्रदर्शन आयोजित किए गए। साथ ही 12 लाख से अधिक किसानों, ग्रामीण युवाओं तथा प्रसार कार्यकर्ताओं को उन्नत तकनीकों पर प्रशिक्षण दिए गए। कृषि विज्ञान केंद्रों ने फसलों की उन्नत किस्मों के लगभग 10,900 टन बीज तथा 285 लाख पौध सामग्री का उत्पादन कर किसानों के बीच वितरण किया। इस दौरान बक्सा, मोरीगांव, बोगई गांव, रामगढ़ और बनासकांठा में 5 नए केवीके खोले गए। कृषि विज्ञान केंद्रों ने सदैव कृषि चुनौतियों का सामना करने के लिए किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और अहम योगदान दिया। वर्ष 2014 में देश के कुछ भागों में सूखे जैसी दशाएं उत्पन्न होने पर केंद्रों ने 580 जिलों के लिए विकसित आकस्मिक योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम एवं जागरूक बनाने हेतु 121 कृषि विज्ञान केंद्र तत्परता से कार्य कर रहे हैं। दलहनों की आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों ने 11 राज्यों के 137 जिलों में 5 प्रमुख दालों पर किसानों के खेतों पर प्रदर्शन आयोजित किए, जिससे उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। जनजातीय जिलों में कृषकों को तकनीकी रूप से समर्थ तथा आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए 125 केवी के निरंतर कार्य कर रहे हैं। किसानों के खेतों पर नवीन प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन तथा कौशल विकास के माध्यम से जनजातीय किसानों की आजीविका में सार्थक सुधार हुआ है। लैब टू लैंड विचारधारा को अधिक प्रभावी, तत्पर तथा कुशल बनाने के उद्देश्य से नई योजनाओं एवं कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी ने मेरा गांव मेरा गौरव नामक नई विचारधारा को वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा लागू करने की पहल की है। इसके अंतर्गत 4-4 वैज्ञानिकों के अनेक समूहों द्वारा 5-5 गांवों को चुनकर नई तकनीकी एवं सामयिक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्य में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा प्रणाली के 20,000 वैज्ञानिक भागीदारी करेंगे। फार्मर फर्स्ट कार्यक्रम के अंतर्गत चुनिंदा 100 कृषि अनुसंधान संस्थान तथा कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा 1,00,000 किसान परिवारों को अपनाने का प्रस्ताव है। तकनीकी रूप से समर्थ ये परिवार अन्य किसानों को नवीन तकनीकी अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। गांवों के पोस्ट मास्टर को कृषि प्रसार के कार्य से जोड़ने के लिए कृषि डाक मॉडल विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत पोस्ट मास्टर कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर नवीन तकनीकी तथा उन्नत बीजों के वाहक के रूप में कार्य करेंगे। 12वीं योजना के दौरान ये मॉडल 100 जिलों में संचालित करने का प्रस्ताव है। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किसानों तथा कृषि प्रसार कर्मियों को ज्ञान के प्रकाश से लाभान्वित किया जा रहा है। नई सरकार के नेतृत्व में कृषि विज्ञान केंद्र पहले से अधिक तत्परता, कुशलता एवं सक्षमता के साथ भारतीय कृषि एवं किसानों का भविष्य संवार रहे हैं।